इस वीडियो में आपको बताने वालों के कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो। तो कई सारे लोग जो कंप्यूटर तो ऑन कर देते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो डायरेक्ट स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड, आपको इस तरह कंप्यूटर को डायरेक्ट स्विच को ऑफ नहीं करना है, आपको शट डाउन करके भी ऑफ करना है, क्योंकि आपको जो स्विच को डायरेक्ट ऑफ करते हैं तो आपका पीसी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो कैसे आपको ऑन ऑफ करना है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस हमारा जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को आपको ऑन ऑफ कैसे करना है। तो मैंने कंप्यूटर को सेटअप करके रखा है, तो आपको सेटअप कैसे करना है, तो इस वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो उसमें जाके देखना है, तो वही आप देख लीजिए। तो चलिए, हमें कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आपको दो स्विच ऑन कर देना है। तो मैंने दोनों स्विच को ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद जो सीपीयू में पावर का बटन होता है ऑन ऑफ का, वही आपको प्रेस करना है। तो चलिए, मैं जो सीपीयू में बटन है वही मैं प्रेस कर देता हूँ, तो हमारा सीपीयू ऑन हो गया है, और जो मॉनिटर की स्क्रीन है तो स्क्रीन हमारा उसमें शो हो गया है। तो फ्रेंड, आपको इस तरह कंप्यूटर को ऑन कर देना है। हमारा माउस में भी लाइट ऑन हो गया है, और कीबोर्ड में भी लाइट ऑन हो गया है। तो चलिए, मैं वीडियो को फास्ट कर देते हैं, हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है। तो आपको इस तरह कंप्यूटर को ऑन कर देना है। तो चलिए, मैंने पासवर्ड को रखा है, तो वही पासवर्ड में प्रेस कर देता हूँ, और हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया है। तो फ्रेंड, आपको इस तरह पीसी को ऑन करना है, तो वही आपको इस तरह आसान तरीके पीसी को ऑन कर देना है। जो आपको ऑन होता है, तो उसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जब पीसी है वही ऑन हो जाएगा। लेकिन आपको जो पीसी है, जो कंप्यूटर है, वही आपको ऑफ करना है। तो फ्रेंड, आपको जो स्विच है वही आपको डायरेक्ट प्रेस नहीं करना है, क्योंकि आपका पीसी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको जो पीसी है वही आपको शट डाउन करना है, और शट डाउन करने के बाद आपको स्विच ऑफ करना है। तो शट डाउन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जो विंडो 10 या 7 यूज करते हो, तो हमारा जो 10 है, तो उसमें जो पावर का बटन है, तो उसमें क्लिक करके आपको जो शट डाउन का बटन है, उसमें आपको क्लिक करके पीसी को शट डाउन कर सकते हो। लेकिन आपको जो विंडो 7 यूज करते हो, तो उसमें आपको स्टार्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको शट डाउन का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको कीबोर्ड में अल्टर F4 को प्रेस करके भी शट डाउन कर सकते हो। तो मैंने कीबोर्ड में अल्टर F4 को प्रेस किया, तो जो शट डाउन का ऑप्शन है वही हमारा पीसी में शो हो गया है। जो आपको एंटर प्रेस करते हैं, तो एंटर प्रेस करने के बाद आपका जब पीसी है वही ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपको जो ओके पे क्लिक करते हैं माउस से, तभी आपका पीसी है वही शट डाउन हो जाएगा। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, तो हमारा जो पीसी है वही हमारा शट डाउन हो रहा है। तो फ्रेंड, आपको इस तरह पीसी को शट डाउन करना है, और शट डाउन करने के बाद आपका जो मॉनिटर की स्क्रीन है, तो उसमें आपको नो सिग्नल का डिस्प्ले शो हो जाएगा, और शो होने के बाद आपका जो स्विच है तभी आप ऑफ करना है। तो चलिए, हमारा जो पीसी है वही हमारा शट डाउन हमने कर लिया है, और शट डाउन करने के बाद आपका जो स्विच है जो ऑन किया है वही आपको ऑफ कर देना है। तो फ्रेंड, आपको इस तरह पीसी जो कंप्यूटर है वही आपको ऑन ऑफ करना है, तो इस तरह आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।